दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के एक ऐसे जंतु के बारे में जानेंगे जो दिखने में तो इंसानों के जैसा है लेकिन हरकत और सोच कुत्ते से भी बदतर है। ये जंतु है करण जौहर उर्फ मौसी किरण जौहर। करण जौहर ने बहुत सारे लोगों के करियर बनाए हैं लेकिन ये वो लोग हैं दोस्तों जिनके करियर ऑलरेडी बने बनाए थे, यानी ये सारे स्टार किड्स थे जिसको इसने लॉन्च किया है। जिन्हें करण जौहर लॉन्च नहीं करता तो कोई ना कोई उन लोगों को लॉन्च कर ही देता क्योंकि वो बड़े स्टार किड्स हैं। करण जौहर अगर सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करता या उनका करियर बनाता और उनके करियर को संवारता तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी और ना ही इस बात के लिए करण जौहर की आलोचना की जा सकती है क्योंकि ये इंसान की खुद की मर्जी है कि वो किसको लॉन्च करता है किसे नहीं। लेकिन करण की गलती ये है कि ये प्राणी स्टार किड्स को आगे बढ़ाने के लिए आउटसाइडर की टांग पीछे खींचता है और उनका करियर बर्बाद करने में न सिर्फ अपना दिमाग और समय लगाता है बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका करियर करण जौहर ने बर्बाद करने की कोशिश की। करण जौहर इस इंडस्ट्री में ऐसे बिहेव करता है जैसे ये पूरी इंडस्ट्री इसके बाप की जागीर हो। करण जौहर अपने सामने हर किसी को छोटा समझता है और वही लोग इसे अच्छे लगते हैं जो इसकी रातें रंगीन करते हैं। करण जौहर ने जिनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की इस लिस्ट में पहला नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका एक आउटसाइडर है जो इंडस्ट्री में आई और उसने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। एक समय पर शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। ये करीबी इतनी ज्यादा थी कि शाहरुख खान प्रियंका को बॉलीवुड की हर बड़ी पार्टीज में साथ में लेकर जाता था। यही नहीं, शाहरुख ने प्रियंका के करियर को बनाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। शाहरुख हर बड़े फिल्म मेकर से प्रियंका को अपनी फिल्म में लेने का दबाव बनाने लगा था। कहा तो ये भी जाता है कि शाहरुख खान ने प्रियंका से चोरी छिपे शादी तक कर ली थी। प्रियंका चोपड़ा शाहरुख के ग्रुप में आ चुकी थी और शाहरुख के ग्रुप से करण जौहर के ग्रुप में आने में देर नहीं लगी क्योंकि शाहरुख खान और करण जौहर एक ही यूनिट है। लैला मजनू के जैसा इनका रिश्ता है। इस दौरान प्रियंका ने करण जौहर के प्रोडक्शन में बनने वाली कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की और इसके पीछे की वजह शाहरुख खान था क्योंकि शाहरुख खान प्रियंका के करियर को संवारने की कोशिश कर रहा था और इन दोनों का अफेयर अपने चरम पर पहुंच गया था। शाहरुख खान जब प्रियंका को लेकर हर पार्टी में जाता तो ये बातें मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। ये बातें उड़ती उड़ती शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान तक जा पहुंची। इसके बाद जब गौरी को ये एहसास हुआ कि शाहरुख खान और प्रियंका का अफेयर चल रहा है वो भी बहुत बड़े लेवल पर, तब गौरी ने अपने दोस्त करण जौहर की इस मामले में मदद मांगी। करण जो पहले से ही प्रियंका के लिए मनी मन में जेलस रहता था, अब उसके पास प्रियंका को बर्बाद करने के लिए वजह थी और वो वजह थी गौरी खान। दरअसल करण जौहर प्रियंका से इसीलिए जेलस रहता था क्योंकि उसने शाहरुख खान को उससे दूर कर दिया था। यही कारण था कि करण भी शाहरुख और प्रियंका के रिश्ते को तोड़वाना चाहता था। इसके बाद जब करण को गौरी का सहारा मिला तो करण ने प्रियंका को बॉलीवुड से आउट कराने का पूरा प्लान बना लिया। घर पर गौरी ने शाहरुख को प्रियंका के साथ घूमने फिरने और फिल्में ना करने की हिदायत दे दी तो दूसरी तरफ करण ने प्रियंका की सभी बड़ी पार्टीज में रोक लगा दी। कहा तो ये भी जाता है कि करण जौहर ने प्रियंका को इंडस्ट्री से बैन तक करा दिया था। इसी दौरान प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड चली गई जहां उसने कुछ फिल्में की। डॉन 2 के बाद प्रियंका के पास कोई भी बड़ी फिल्म नहीं थी लेकिन उस दौरान प्रियंका ने हॉलीवुड में अपना नाम कमाया। प्रियंका हॉलीवुड में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जिससे प्रियंका की बॉलीवुड में मार्केट वैल्यू घटने के बजाय बढ़ती चली गई। प्रियंका बॉलीवुड को छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन उसे मजबूरी में हॉलीवुड जाना पड़ा क्योंकि उस समय प्रियंका के पास बॉलीवुड में कोई भी बड़ा काम नहीं था। इसके बाद प्रियंका ने क्रिश 3 और उसके कुछ समय के बाद मैरी कॉम से जबरदस्त वापसी की और वो भी डबल पीस के साथ। प्रियंका को बॉलीवुड से न सिर्फ बैन कर दिया गया था बल्कि प्रियंका के अगेंस्ट भी ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाने लगे ताकि प्रियंका को मेंटली टॉर्चर किया जा सके। लेकिन प्रियंका उन दिनों हॉलीवुड चली गई और वो वहीं पर बिजी हो गई। वो खुलकर कभी भी इस बॉलीवुड के खिलाफ नहीं बोल पाई क्योंकि वो या तो बड़े नाम लेने से डरती थी या फिर इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। प्रियंका ने उस समय को हॉलीवुड में गुजारा जब उसके खिलाफ बॉलीवुड में ग्रुपिज्म चल रहा था। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स इसी प्रियंका को अपनी फिल्में लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। यही नहीं, खुद करण जौहर तक ने प्रियंका को अपने शो पर इनवाइट किया है, उसी करण ने जिसने प्रियंका को बॉलीवुड से आउट कराने के लिए उसे बैन करा दिया था। दूसरे नंबर पर आता है अर्जुन रामपाल का नाम। जी हाँ, एक समय ऐसा भी आया जब करण जौहर ने अर्जुन रामपाल को भी इस बॉलीवुड से आउट कराने के लिए उसे बैन तक करा दिया था। अर्जुन रामपाल किसी समय पर शाहरुख खान का राइट हैंड माना जाता था। इन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि शाहरुख खान ने आईपीएल के बाद होने वाली पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी अर्जुन रामपाल की कंपनी को दे दी थी। हालांकि बाद में ये पार्टीज बैन हो गई क्योंकि इससे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा था।
इसका कारण ये था कि इन पार्टीज में खुलकर अय्याशी होती थी। न सिर्फ लड़कियां बल्कि शराब और ड्रग्स भी इन पार्टीज में खुलेआम चलती थी, जिसके कारण इन पार्टीज को बैन करना पड़ा। पार्टीज तो बंद हो गईं, लेकिन शाहरुख और अर्जुन के हैंगआउट बंद नहीं हुए। ये दोनों कलाकार लगातार पार्टी करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान हर छोटी बड़ी पार्टी में साथ में दिखाई देते थे। इस दौरान अर्जुन रामपाल ने शाहरुख खान के साथ में R1 फिल्म में काम किया और शाहरुख खान के कहने पर उसे डॉन और करण जौहर की वियर फैमिली जैसी फिल्म भी मिली। इन्हीं फिल्मों के दौरान शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद शाहरुख खान ने करण जौहर को बताया और करण जौहर ने अर्जुन रामपाल को अपने पूरे सर्कल से बैन करा दिया। अब अर्जुन रामपाल ना तो शाहरुख खान के साथ दिखाई देता था और ना ही करण जौहर के साथ। करण जौहर ने पहले तो अर्जुन को अपने ग्रुप से बैन किया, लेकिन जब लगा कि इससे भी अर्जुन रामपाल बॉलीवुड से आउट नहीं हो रहा है तो करण ने क्या किया कि अर्जुन पर नजर रखनी शुरू कर दी। करण अर्जुन रामपाल पर नजर रखने लगा कि अर्जुन को कहीं बड़े बजट की कोई फिल्म तो ऑफर नहीं हो रही है। हाल ये हो गया था कि अर्जुन धीरे धीरे फिल्मों से आउट होता चला गया और उसे जो फिल्में मिल रही थी वो बहुत छोटे बजट की फिल्में थी, यानी उससे कोई फायदा उसके करियर को नहीं हो रहा था। एक समय ऐसा आ गया कि अर्जुन रामपाल दिवालिया हो गया। 2014 में ऐसी खबरें आई थी कि अर्जुन रामपाल बैंक्रप्ट हो गया है और उसने अपने रेस्टोरेंट का 4 महीने का किराया नहीं दिया है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया है। कुछ इस तरह की खबरें उस समय सुनने को मिली थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है बॉलीवुड की क्वीन उर्फ कंगना रनौत का। करण जौहर ने कभी भी कंगना रनौत को पसंद नहीं किया और इस बात का जिक्र खुद कंगना ने करण जौहर के शो पर किया था। करण ने कंगना को कभी भी अपने बैनर की फिल्म ऑफर नहीं की। अपने शो पर भी करण ने कंगना को तब बुलाया जब कंगना बॉलीवुड में एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी। कंगना ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं। कंगना ने करण के मुंह पर बोला कि वो आउटसाइडर के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार करता है, किस तरह से उनको बर्बाद करता है, किस तरह से उन्हें आउट करने पर अपना पैसा खर्च करता है। सलमान खान की सुल्तान सबसे पहले कंगना रनौत को ऑफर की गई थी, लेकिन कंगना ने अनाउंस कर दिया कि वो तीनों खानों में से किसी भी खान के साथ फिल्म नहीं करेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि यशराज बैनर ने कंगना को अपनी तरफ से बैन कर दिया। जिस कलाकार को यशराज बैनर बैन करता है उसे करण जौहर भी बैन कर देता है, क्योंकि ये दोनों लोग आदित्य चोपड़ा और करण जौहर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और एक दूसरे से इनकी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। करण जौहर और यशराज बैनर के बैन करने के बाद करण ने कई बार कंगना का मजाक बनाया, कभी कंगना की इंग्लिश का, कभी कंगना की बोली का, तो कभी कंगना के ड्रेसिंग सेंस का। लेकिन कंगना ने हर बार करण जौहर के छक्के छुड़ाए हैं। करण ने हमेशा कंगना को अपने बयानों में नीचा ही दिखाया है। करण चाहता था कि वो कंगना को फिल्मों से आउट कर दे, इस बॉलीवुड से उसे आउट कर दे, लेकिन उसकी हसरतें कभी पूरी ना हो पाईं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का। अनुष्का शर्मा वैसे तो धर्मा प्रोडक्शन में करण के साथ काम कर चुकी है, लेकिन करण ने खुद कहा था कि एक समय पर वो अनुष्का का करियर बर्बाद करने पर तुल गया था। उसे अनुष्का बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये बात तब की है जब यशराज बैनर ने अनुष्का को रब ने बना दी जोड़ी नाम की एक फिल्म में, जो अनुष्का की पहली फिल्म थी, उसमें अनुष्का को कास्ट किया था। करण ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जब आदित्य चोपड़ा ने उसे रब ने बना दी जोड़ी में कास्ट कर लिया तो उसने आदित्य को काफी ज्यादा समझाया था कि अनुष्का को इस फिल्म से निकाल दे, उसे उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लेकिन आदित्य ने अनुष्का को फिल्म से नहीं निकाला। आगे चलकर अनुष्का भी ए लिस्टर एक्ट्रेस बन गई तो करण जौहर को अनुष्का के सामने झुकना ही पड़ा और उसे अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर भी दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक स्टार किड का। ये स्टार किड है अजय देवगन। वैसे तो अजय देवगन की वाइफ काजोल करण जौहर की काफी अच्छी दोस्त मानी जाती है, लेकिन करण और अजय दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कहा तो ये भी जाता है कि करण ने अजय को कई बड़ी बड़ी फिल्मों से निकलवाने तक की नाकाम कोशिश की थी। 2016 में तो करण जौहर की जलन खुलकर सामने आ गई थी जब उसने अपनी फिल्म की रिलीज डेट अजय देवगन की फिल्म के साथ रख दी, जबकि अजय देवगन की जो शिवाय मूवी थी उसकी डेट पहले से ही फिक्स थी। फिर भी करण जौहर ने अपनी फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की डेट उसी दिन रख दी जिस दिन शिवाय मूवी रिलीज होने वाली थी। दरअसल करण को ये घमंड था कि एक ही दिन दोनों फिल्में रिलीज होंगी तो इससे अजय देवगन की शिवाय मूवी फ्लॉप हो जाएगी और लोग सिर्फ उसी की फिल्म को देखने आएंगे। इन दोनों का झगड़ा उस समय मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि बाद में अजय देवगन की शिवाय हिट हो गई और करण जौहर के मंसूबों पर पानी फिर गया। वैसे इस लड़ाई के दौरान अजय देवगन ने एक ऑडियो क्लिप रिलीज की थी जिसमें अजय ने आरोप लगाया था करण जौहर पर कि करण ने एक क्रिटिक को 25 लाख रुपए दिए हैं कि वो उसकी ऐ दिल है मुश्किल की तारीफ करे और अजय देवगन की जो मूवी आ रही है शिवाय उसको खराब रेटिंग दे, उसको खराब बताए ताकि लोग अजय देवगन की फिल्म को ना देखें। लेकिन करण जौहर के पैसे और कोशिशें दोनों बेकार हो गईं क्योंकि शिवाय मूवी हिट हो गई। करण जौहर किसी को बर्बाद करने के लिए 25-30 लाख रुपए तो क्या करोड़ों रुपए भी खर्च कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत, जिसे बर्बाद करने के लिए करण ने करोड़ों रुपए लगाकर ड्राइव मूवी बनाई और खुद ही उस फिल्म को
फ्लॉप कराया ताकि SSR के करियर को बर्बाद किया जा सके। करण जौहर वो दीमक है दोस्तों जो इस बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि देश की संस्कृति को भी खराब कर रहा है। करण जौहर के शिकार के लिस्ट में अगर कोई रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज